कटनी जिले के बरही तहसील के सिजरा गांव में शाम को बड़ा हादसा हो गया है। बारात की बस और ऑटो में भिड़ंत। हादसे में दो बच्चों सहित तीन लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे हुए इस बस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सतना जिले के सज्जनपुर गांव से बारात आई थी, जो शादी के बाद शनिवार सुबह वापस सतना के लिए रवाना हुई। सतना जाने के दौरान रास्ते में पड़ने वाली महानदी के समीप सामने से आ रही ऑटो बस के बेहद करीब आ गई और बस और ऑटो में भिड़ंत हो गई। इधर ऑटो को बचाने के लिए बस सड़क से नीचे उतर गई और अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। हादसे में दो बच्चे सहित तीन लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 13 साल की एक बच्ची, 11 वर्ष का एक बालक और 30 वर्षीय युवक शामिल है। हादसे में 20 बाराती घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरही में भर्ती कराया गया है। रुद्रपुर के मुख्य बाजार में हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाया गया। शनिवार सुबह मुख्य नगर अधिकारी जय भारत सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र कुमार ने जेजीबी मशीन और भारी फोर्स के साथ बाजार क्षेत्र पहुंचकर अतिक्रमण मुहिम शुरू की। शनिवार की सुबह जब हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण मुहिम शुरू की गई तो प्रशासनिक अधिकारियों की टीम व भारी पुलिस बल को देखकर अनेक व्यापारियों ने खुद ही अपनी दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहद भी कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गए और इस अतिक्रमण मुहिम का विरोध करना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने बेहद समेत कई दर्जन व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया। दिनभर अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते महानगर में खासी अफरा तफरी का माहौल रहा। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बेहद ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के आदेशों की आड़ में प्रशासन शहर को उजाड़ने पर तुला है। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष गुरमीत सिंह ने कहा कि व्यापारियों को बिना नोटिस के अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। गुरमीत ने व्यापारियों को भारी नुकसान से बचाने के लिए कोई बीच का रास्ता निकालने की भी प्रशासन से मांग की है। वहीं एमएनए ने कहा कि जब तक शहर को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जाता तब तक यह अभियान बदस्तूर जारी रहेगा। और फिलहाल यहाँ पे व्यापारी भाइयों का पूरा सहयोग मिल रहा है और जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग मिल रहा है, ऐसी कोई यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं। सर, मामले की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है, क्या हमें समक्ष करेंगे की जाएंगी वीडियोग्राफी? माननीय न्यायालय के आदेश पे ही ये सारी चीज़ें की जा रही हैं और जब भी इस तरह का कोई भी पब्लिक कार्य किया जाता है तो उसकी वीडियोग्राफी की जाती है, जिससे जरूरत पड़ने पर सक्षम मौके पे वीडियो को भी प्रस्तुत किया जाए। विधायक द्वारा टाइम मांगा जा रहा है, क्या टाइम दिया जाएगा सर? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी हमें अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है, वो अतिक्रमण हटाएगा। सर, क्यों गिरफ्तार किया गया आपको? देखिए, शहर को पहले भी एक बार बर्बाद करने की शुरुआत हुई थी। आज जिला प्रशासन नगर निगम द्वारा फिर आज शहर के अंदर जेसीबी चलाई जा रही है। अतिक्रमण हटाना ठीक बात है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का पालन होना चाहिए, पर ध्वस्तीकरण का विरोध करता हूँ मैं। ध्वस्तीकरण का क्या मतलब है? बिल्डिंगें गिराने का, लोगों को नुकसान पहुंचाने का क्या मतलब है? रुद्रपुर शहर नहीं रहेगा तो तिलकराज शहर क्या करेगा? यहाँ के लोग क्या करेंगे? हम लोग जब शहर ही नहीं बचेगा, जिस शहर ने हमें पाला पोषा यहाँ तक पहुँचाया उसी के कारण हम आज तक राजनीति में यहाँ तक आए, चार चार बार विधायक बने। आज अगर रुद्रपुर नहीं बचेगा तो हम कहाँ से बचेंगे? जब हम नहीं बचेंगे तो फिर हमने कहा ठीक है, हमें हर तरह से हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, अपनी कुर्बानी देने को, और मैंने विरोध किया। और मैं निश्चित रूप से ध्वस्तीकरण का विरोधी हूँ और ध्वस्तीकरण के विरोध में